फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन फाइल, मास्टर स्लाइड और स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन फाइल, ऑल स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू अ टॉपिक आर केप्ट इन अ सेपरेट फाइल विच इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन फाइल। जनरली डॉट PPT एक्सटेंशन इज यूज विद द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन फाइल प्रिपेयर्ड बाई पावर पॉइंट। सिंस ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन आर केप्ट इन अ सिंगल फाइल, so that it is easy to use and copy it। PPT एक तरह का प्रोग्राम होता है जहाँ पे PPT के मतलब किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स के से हम शो कराते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने का वर्क आप इस पर कर सकते हैं, पावर पॉइंट पर कर सकते हैं। इसमें पावर पॉइंट में ग्राफिक्स, एनिमेशन, फोटोज, वीडियो और बैकग्राउंड्स में आप जो है कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए जब आप PPT फाइल बनाने वाले होते हैं तो पहले आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टॉपिक पर कहीं आप जो है नोट्स लिखना होता है। जब हम पावर पॉइंट में जब सेव करते हैं तो सेव योर पावर पॉइंट फाइल एज वन ऑफ द सेवरल फॉर्मेट्स टू अ फोल्डर लोकेशन ड्राइव CD, DVD, फ्लैश ड्राइव और टू योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। प्रेजेंटेशन फाइल में क्या करते हैं कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे कुछ अलग अलग टॉपिक होते हैं, उनको हम क्या करते हैं सेपरेट रखते हैं। तो ये क्या होते हैं वैसे को हम प्रेजेंटेशन फाइल बोलते हैं। जो प्रेजेंटेशन जो फाइल होता है, जो प्रेजेंटेशन इसमें जो है सिंगल फाइल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मास्टर स्लाइड। दिस इज अ स्लाइड इन विच इन्फॉर्मेशन और कंटेंट्स इंक्लूड ऑन एवरी स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन आर गिवेन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले नेम ऑफ ए कंपनी विथ इट्स लोगो ऑन एवरी स्लाइड्स, दिस कैन बी डन ईजली विथ द मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड्स कंट्रोल द लुक ऑफ योर इंटायर प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग फॉन्ट्स, बैकग्राउंड इफेक्ट्स एंड जस्ट अबाउट एवरीथिंग। एल्स यू कैन इंसर्ट अ shape or a logo on a slide master for the example and it will show up the all your slide automatically। A slide master is made from the layouts used within the presentation। As you can imagine, this enables you to create unicity amongst your slides। The PowerPoint slides master takes care that very efficiently, and if you need to make quick edit on the presentation when the nearly complete, you can quickly do so through the slide master। Next topic is slide show। The process of displaying slides of a presentation in front of an audience is called slide show। In such a show, the slide appear in the definite order and each slide is displayed for predefined period of time। There may be special effects on the elements of slides while displaying them